papa called me up. He said that we will be going to meet this person. I was like, चलो ठीक है मिलना क्या है बहुत टाइम से बात चली रही है that you have to go and see guys. So ठीक है बस हो गया. This was the thing. बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ सिरहाने आसमां जाने कहाँ मुड़ जाती है देखते देखते तुझे. Everything was planned. तो दीदी को जाना था एंड शी गॉट रेडी. नीचे सब वेट कर रहे थे एंड शी वाज लाइक कि मन से बहुत डर रहा है व्हाट शुड आई डू व्हाट शुड आई डू. एज़ सून एज़ आई एंटर्ड दैट हॉल all eyes were on me and I was like, oh my god, what is this? कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ से गायब हो जाए कांचा. जब वो नीचे आई she was alone that time. जब जाना था मैंने she saw like everybody and she ran. और वहाँ पे मिरर लगा था तो जब वो भागी ना everybody saw that and that was so funny. जमाने ने तेरी मेरी कहानियां कर दे कोई नवाज़िश है करम मेहरबानियां ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया हम जैसा कोई. जब वो आई थी वो बहुत नर्वस थी एंड ऑब्वियसली क्योंकि इतने सारे लोग आए थे तो एकदम से उसके लिए भी थोड़ा सा एक न्यू ही चीज़ थी बिकॉज उसने कभी और किसी से मिला नहीं था पहले. बट जब वो मुझे मिली तो शी हैड हर कॉन्फिडेंस बैक. आई हैड अ चेयर सामने मेरे को वहाँ बैठना था एंड सौरभ वाज आल्सो सिटिंग इन द सेम लाइन पर देन मे बी उनको बोला गया होगा या जो भी है. तो मेरे बैठने के बाद वहाँ से उठ के ही केम एंड सैट इन फ्रंट ऑफ मी. बाप रे दैट वाज द मोमेंट आई वाज लाइक ये तो मेरे सामने आके क्यों बैठ गए. छुप रहे थे गुम एक सवेरा ढूंढ रहे थे सदियों से जैसे जाग रहे थे प्यार को अपने. एंड आई ट्राई टू अवॉइड हिज लाइक डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट एज मच एज पॉसिबल. तो ऑनेस्टली उस समय प्रॉपरली देखा भी नहीं सौरभ को. सौरभ को प्रॉपरली देखा तब व्हेन वी बोथ वेंट अलोन एंड सैट टू टॉक. शी सेड मी कि मानसी तुम्हें पता है कि बस वो कुछ बोलते ही नहीं है चुप ही रहते हैं एवरी मिनट. हाँ ठीक है चलो ठीक है. फर्स्ट मिनट में इतना कोई ओपन नहीं होता था. ऐसा लग रहा था ना कि आई एम सिंपली शूटिंग द क्वेश्चन एंड रैपिड फायर चल रहा है. क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर. मेरे को खुद लग रहा था कि आकांक्षा हाउ मेनी क्वेश्चन डू यू हैव आई मीन व्हाट इज दिस. They weren't able to spend time together, so they had a little smaller meeting in Delhi. They spent, but they actually met and they had their own chat, whatever they wanted to have. वहाँ पे, I don't know what happened. I fell head over heels कि नहीं, अभी तो यार ये मस्त बन गया है. ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को differently portray किया. But then I liked him that day. And after I came back home, उनसे मिलने के बाद, I was so very happy. From that day onwards. My happiness graph has always grown like this. कैसे बताती